विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ये क्या हो रहा है निशुम? ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश रक्त रंजित हो गया हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भ्राता निशुम, भ्राता निशुम, कहाँ हो तुम? ये आकृतियाँ किसकी हैं? नहीं, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, किंतु ये सभी तो ये मेरे समक्ष कैसे? अन्य आप विशेष नहीं रहेंगे, भाग को नहीं छोड़ेगी। ये सत्य में यहाँ है अथवा मेरे मन का भय इन आकृतियों के रूप में प्रकट हो रहा है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? हमारे संपूर्ण असुर सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रही है ये देवी। निशुम, ये कैसी मायावी धुंध है जो ऐसे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर हमें भयानक संकेत दे रही है? अब वो दृश्य कहाँ खो गया? भ्राता शुम, अब वो धुंध भी छट गई। हाँ हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारे शरणों से बचाइए, रक्षित कीजिए, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए आप। भ्राता शुंग, अवश्य अपनी माया से वो दुष्टनी हमारे और हमारी सैनिकों का मनोबल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमें उसकी मायावी कुचक्र से भयभीत नहीं होना है। ये सर्वथा उचित कह रहे हैं भ्राता निशुम्भ, ये उसका मायावी कपट है हमें आतंकित करने का ये प्रयास है। इसे हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। असुर सैनिको, आगे बढ़ो। सुना नहीं क्या तुम सबने? उस मायावनी से युद्ध करो अथवा मेरे हाथों से मृत्यु पाओ। जाओ। रक्त
वर्षा, अब ये मायावनी नारी रक्त वर्षा का भय दिखाकर हमारे सैनिकों को रोकना चाहती है। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र वर्षा हो रही है ये? हम आहत हो रहे हैं इससे। ये रक्त वर्षा तो हमें पीछे धकेल रही है। असुर महानायक शुंभ हमारी सहायता करिए। आगे बढ़ने में असमर्थ है। हमारी सेना के मार्ग को बाधित कर दिया इस रक्त की वर्षा ने। शुंभ, कदाचित उस देवी को हमें रोकने का ये मायावी प्रयास है। ये प्रचंड वायु प्रवाह, ये भयावह विद्युत रेखाएं, आसमान से गिरती ये रक्त की वर्षा और ये मंडराते गिद्ध, ये किसी बड़े अशुभ का संकेत है। उचित कहते हैं आप वायुदेव, बड़े अशुभ संकेत है ये, किंतु हमारे लिए नहीं, शुंभ निशुंभ के लिए। किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है। इन संकेतों से माँ शुंभ निशुंभ को चेतावनी दे रही है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी है, अपनी सभी संतानों के प्रति सजग है। जो कुपथ पर है उन्हें सुपथ का चुनाव करने का अवसर अवश्य देंगी माँ, किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है, जिसके उपरांत माँ शुंभ निशुंभ को उनके दुर्भाग्य से परिचित करवाएंगी। यदि शुंभ निशुंभ ने इन संकेतों को स्वीकार नहीं किया तो आज माँ के द्वारा उनका अंत अवश्य होगा। रक्त वर्षा जैसे अचानक आरंभ हुई थी वैसे ही थम भी गई, किंतु ये स्तंभन मौन क्यों है? क्या होने वाला है? भ्राता निशुंभ, ये मायावनी की माया ही थी। मैं तो पूर्व से ही ये कह रहा था। उस मायावनी देवी कौशिकी ने छल से रक्त वर्षा उत्पन्न किया मेरे असुरों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और फिर उसे रोक भी दिया। नारी है वो, मात्र एक निपट अकेली नारी। स्मरण रखना सैनिकों, जब तुम इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे समक्ष कोई महायोद्धा नहीं, एकमात्र निरीह नारी होगी। और एक नारी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय कर भी क्या सकती है? और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध करते हो, किंतु वो शक्ति ही नारी प्रपंच रचकर अपनी माया से वो दर्शाती है जो वो दिखाना चाहती है। बस उसने मुझे, तुम्हें, भ्राता निशुंभ को, हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरे समस्त सेनापतियों का उसने वध किया है, उन्हें भ्रमित करके। हाँ, एक नारी से अपेक्षा भी और क्या हो सकती है? दुर्बल नारी, युद्ध करने में अक्षम, इसीलिए अपनी धूर्तता भरी मायावी शक्तियों से भ्रम ही तो उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भ्रमित मत हो, आतंकित मत हो, साहस से आगे बढ़ो और इस पर्वत के उस पार
युद्ध भूमि में प्रवेश करके उसे प्रमाणित करो कि तुम असुर सैनिक कदापि भ्रमित नहीं हो। उसे स्मरण करा दो, ये स्पष्ट करा दो कि उसका स्थान हमसे निम्न है और उसका वही स्थित रहना उचित है। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो रहा है? ये भयंकर भूकंप कैसे उत्पन्न हो गया जिसके कारण हमारा स्वयं को संतुलित करना भी संभव नहीं हो रहा है? देवराज इंद्र, माता कौश की इस भूकंपन के माध्यम से शुंभ निशुंभ को एक और चेतावनी दे रही है। हाँ इंद्रदेव, ये हमारे लिए किसी पूर्वगामी संकट की सूचना नहीं, ये तो माँ की चुनौती है इन दुष्ट असुरों के लिए। पूर्व सूचना तो ये है दुष्टों के संहार की, क्योंकि इस भूकंपन का कारण देवी कौशिकी की चेतावनी नहीं कुछ और ही है। ये भूकंपन नहीं, आगमन है, आगमन शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ यहां आने की मूर्खता कर रहे हैं। तो ये है देवी कौशिकी। वाह भैया, ऐसी अपूर्व सुंदरी देवी कौशिकी तो आपकी पत्नी बनने सर्वथा योग्य है। हाँ भ्राता निशुंभ, ऐसी सौंदर्य की धनी नारी को अपने वश में करने के लिए मैं उन सभी सेनापतियों का फिर से बलिदान देने को तैयार हूं। भ्राता शुंभ, सौंदर्य संपन्न अवश्य है ये, उसे एक नारी के लिए उचित शिष्टाचार की ज्ञान देने की आवश्यकता अवश्य है। आप स्वयं उसके समक्ष खड़े हैं किंतु आपको प्रणाम तक नहीं किया उसने। इस दुस्साहसी असुर को अब इसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए। तुच्छ नारी, नेत्र खोल और देख, कौन आया तेरे समक्ष युद्ध करने? स्वयं असुर महानायक शुंभ। असुर महानायक का नाम सुनकर भयभीत हो गई क्या? अब भयभीत होने से क्या लाभ? अब जो होगा उससे तुम बचाव कर सकती थी। महाराज शुंभ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करके कि तो अब बहुत विलंब हो चुका है। तुम्हें अपनी दंडता का, तुम्हारी धृष्टता का, तुम्हारी अविनय का और निरंतर महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और ये दंड मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हें दंडित होता देखकर आनंदित होऊंगा। अपने अंत को समक्ष देखकर भी उसे पहचानने में असमर्थ है ये मूर्ख शुंभ। तुम्हें खींच कर महाराज शुंभ के चरणों में डालूंगा, अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बलशाली पुरुष कैसे होते हैं। सैनिकों जाओ और बंदी बना लो इस दुष्ट नारी को। Yeah!
तो एक ही प्रहार में मेरी समस्त असुर सेना का नाश कर दिया। तुम प्रदर्शन करोगे पुरुषार्थ का, पराक्रम का, उसका अवसर नहीं दूंगी तुम्हें। क्योंकि आज तुम परिचित होगे नारी शक्ति से। इतना अहंकार, हे दुस्साहसी स्त्री, मुझे असुर महानायक शुंभ को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो? मूर्ख शुंभ, चुनौती तो तुमने दी है अपनी मृत्यु को। इस दुस्साहस का मैं उचित दंड दूंगा तुम्हें। नहीं भ्राता शुंभ, जब मैं यहां उपस्थित हूं तो आपको युद्ध पे जाने की क्या आवश्यकता? नहीं निशुंभ, मैं अपनी धधकती क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं इसका अंत करूंगा और इसका शीर्ष खड़क पर स्थित करूंगा। असुर महानायक की अवज्ञा के भयंकर परिणाम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भविष्य में कोई नारी ये भूल न सके, ये भूल न सके, ये भूल न सके। आपका क्रोध चरम पर है ये मुझे ज्ञात है, किंतु आप धीरज रखिए। इन नारियों से आपके अपमान का प्रतिशोध मैं दूंगा। भ्राता शुंभ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी विशेष रणनीति द्वारा इन नारियों को ऐसा प्रताड़ित करने का मनोहर दृश्य उत्पन्न करूंगा कि आप क्रियान्वित हुए बिना ही आनंदित हो उठेंगे भैया। भ्राता शुंभ, ऐसी उद्दंड नारी का अंत हम ऐसे ही नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम क्रीड़ा करेंगे, फिर इसे कुचल कर रख देंगे। उचित है प्रधान सेनापति निशुंभ, शीघ्र पराजित करो इसे। देवी कौशिकी, तूने हमारे असुर योद्धाओं का अंत किया, मैं तुम्हारे स्त्री योद्धाओं का अंत करूंगा। जैसे को तैसा। अवश्य निशुंभ, जैसे को तैसा ही होगा। तैयार हो जाओ। अपने असंख्य सैनिकों को आगे भेजकर निशुंभ ने माता पर अति भयंकर आक्रमण किया। स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को भेजना यही प्रमाणित करता है देवराजेंद्र, फेरू हैं ये दोनों।
शुंभ निशुंभ। भीरू होने से कहीं अधिक मूर्ख है ये दोनों। सत्य स्वीकार करने के स्थान पर व्यर्थ ही अपने मूर्ख असुरों को माता के पास अंत करने के लिए भेज रहे हैं, किंतु ये उचित है। इसी कारण आज इन मूर्ख असुरों से सृष्टि मुक्त होगी और उस पर इनके अतिरिक्त बोझ से मुक्त होगी। असुरों को ज्ञात नहीं कि ये अपने काल की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र ये तीन नारियां मेरी विशाल असुर सेना के समक्ष देवियाँ कहाँ से उत्पन्न हो गई? बहुत भयंकर प्रतीत हो रही है ये। इनकी ये विचित्र गर्जना आतंकित कर रही है। कैसी माया है इस मायावनी देवी की? इतनी देवियां अचानक प्रकट हो गईं, मेरी सेना पर आक्रमण कर दिया उन्होंने। ये मायावनी देवियां हमारी सेना को नष्ट कर रही हैं। हमारे सैनिकों के रक्त रंजित शीश कंदुकों के समान हमारी ओर बढ़ा दिए इन्होंने। सागर है माँ, उनकी ममता अपार है, क्षमाशील है वो। क्षमा याचना करने पर माँ बड़े बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देती है, किंतु उद्दंडता का दंड भी अवश्य देती है वो। पालक है तो संहारक भी है वो। हाँ गणेश, माँ की लीला तो अपरंपार है। उनकी क्षमता के समक्ष कहाँ टिक सकेंगे ये मूर्ख दुराचारी असुर। हाँ भैया, जो नारी शक्ति का अपमान करेगा उसका यही परिणाम होगा। आज रक्त रंजित होकर रहेगी ये धरा इन दुष्टों के रक्त से। कितना भयंकर दृश्य है ये। असुर सैनिकों के ये शीश जैसे मुझे ही अपने रक्त में डुबोने आ रहे हैं। इनसे अपना बचाव कैसे करूं? ये सब क्या है निशुंभ? क्या यही है तुम्हारी विशेष रणनीति? दुस्साहसी नारियां हमारे असुर सैनिकों का वध करके उनके शीश उनके धड़ से अलग करके हम पे फेंक रही हैं और हमारा उपहास कर रही हैं। और मैं असुर महानायक शुंभ उन शीशों से अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ वहां छुपने में विवश हूँ। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी, अब एक रणनीति शेष है मेरे पास। वध करेंगे हम
इस संपूर्ण असुर सेना का। शुंभ निशुंभ, बस इतनी ही है तुम्हारी शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम, जिसका इतना अहंकार है तुम्हें? देखो कैसे अंत कर रही है हम नारियां तुम्हारे असुरों का। छल बल का ऐसा कुचक्र बिछाऊंगा मैं कि तुम्हारा ये अट्ठहास रुदन में परिवर्तित हो जाएगा। भीतरघात आरंभ हो। छल और बल कुछ भी प्रयोग कर लो, तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। ये क्या किया निशुम ने? और ये भीतर घात से क्या अर्थ है उसका? सूर्यदेव, अवश्य यही उनकी चाल है। उस धूर्त की कोई रणनीति है ये। तुम्हारे नीचे से देवी असंतुलित हो गई ना तुम, किंतु ये तो अभी आरंभ है हमारे आनंद का। मूर्ख असुर, जो भी कर लो तुम, अंत तो तुम्हारा निश्चित है। पृथ्वी की सतह के नीचे भयावना स्पंदन कैसा है? कोई भयंकर भूमिगत असुर प्रतीत होता है, जो निशुंभ के आह्वान से गतिशील हुआ है। उचित है, सर्वथा उचित है। हमारा पलटवार, अब हमारे असुर भक्षण करेंगे इन दुष्टाओं का। भ्राता शुम, अभी तो ये हमारी रणनीति का आरंभ है, अभी तो आपको और आनंदित करेगा ये। देवियां हमारी सैनिकों का अंत कर रही थी ना, हमारा उपहास कर रही थी ना, अब देखने उनकी दुर्दशा। हमारे असुर सैनिक उन्हें पृथ्वी के भीतर खींच के ले जाएंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा। देवी काली, देवी चंडमारी, अब आप दोनों के गतिशील होने का समय आ गया है। जो आज्ञा माता।
अरे ये क्या हो रहा है? ये दोनों नारियां तो इन असुरों का भी वध कर रही हैं। माँ की शक्ति के समक्ष इन दोनों के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। किंतु ये मूर्ख ये कहाँ समझ सकेंगे? मैंने कहा था ना निशुम्भ, नारी शक्ति से परिचित होगे तो। अब देखो उसका प्रत्यक्ष परिणाम, कैसे नारी शक्ति तुम्हारे इन सब असुरों का संहार कर रही है। शुम निशुम, अभी भी समय, इस शक्ति को पहचानो। अपनी सभी भूलों के लिए क्षमा याचना कर उसका प्राश्चित करो। भ्राता शुम, इस तुच्छ नारी को शब्दों में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्राश्चित चाहती है ना, तो मैं दूंगा इसे उचित कारण प्राश्चित। इसे प्राश्चित का कारण दोगे? अर्थात निशुम, बहुत सताया है इस नारी ने हमें, अपमान किया है हमारा। इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़ कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने आप पर? तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? अंत तो अब तुम्हारा होगा निशुम्भ। जिन नारियों को तुम सदैव तुच्छ समझते आए हो, उनकी वास्तविक शक्ति से आज तुम्हारा परिचय होगा। सत्य को जानकर भी अनदेखा करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।